वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावने वैष्णवो नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्वयश्च ज्ञानजनशलाकस्य चतुर्थमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। भगवान कपिल के कार्यकलाप के विषय में माता देहूति बताती हैं, यह स्कंद तीसरा अध्याय 33। माता देहूति कहती हैं कि ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं, क्योंकि वे आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांड को उद्गम स्रोत आपका ध्यान ही किया। फिर माता कहती हैं कि हे भगवान, यद्यपि आपको माता देहूति कहती है, भगवान यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु अपनी शक्तियों प्रकृति के गुणों की अंतः क्रियाओं में विपरीत करती है, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प है और समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए संसार रचा है। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियाँ अनेक प्रकार से कार्य करती हैं, यह हमारे लिए अकल्पनीय है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यह सृष्टि क्यों की जाती है। सब जीवों के श्री भगवान होने के कारण ही उन्होंने यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में भी पुष्टि की गई है कि एको बहुना नाम यो विद्यति कामान। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है और केवल भगवान ही उनका पालन करते हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी काल्पनिक शक्ति द्वारा करते हैं। फिर माता देहूति कहती हैं कि आपने मेरे उदर में श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ति पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। फिर माता देहूति कहते हैं कि हे भगवान, आपने पतितों के पापपूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, पर आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर माता देहूति कहती हैं कि उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाला परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या भी उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है।
चलो प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रीधर स्वामी अपनी टिप्पणी में कहते हैं अनेन पूजत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निस्संदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टीका पूर्णतया लागू होती है यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ब्राह्मण से भी बढ़कर बन जाता है। फिर आगे माता देहूति कहती हैं कि ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं। उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। फिर भगवान कहते हैं, माता देहूति भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अर्थात परम ब्रह्म है। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेग से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। फिर भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, मैंने आपको जिस आत्म साक्षात्कार के मार्ग का उपदेश दिया है वह अत्यंत सुगम है। आप बिना कठिनाई के इसका पालन कर सकती हैं। ऐसा करके आप इसी शरीर में शीघ्र ही मुक्त हो सकती हैं। हे माता, जो लोग वास्तव में अध्यात्मवादी हैं वे निश्चय ही मेरे उपदेशों का पालन करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप अस्वस्थ रहें यदि आप इस आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से चलेंगी तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचेंगी। हे माता, जो लोग भक्ति की इस विधि से अवगत नहीं हैं वे जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भगवान कपिल अपनी माता देहूति को उपदेश देने के उपरांत वो अपना गृह छोड़ के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाहर चले जाते हैं और माता देहूति पुत्र के परम उपदेश को सुन के भक्ति योग का अभ्यास करने लगती हैं।